फ्रेंड्स तो मैं सो क्यों रही हूँ, बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे, जा रही हूँ चाय बनाने जल्दी जल्दी और फिर नाश्ता करेंगे हम दोनों, फिर ड्यूटी पे जाएंगे और आपसे मिलते हैं शाम को, भी नाश्ते पे मिलते हैं फिर। हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं, ये हमारा नाश्ता है, ओट्स और चाय। नाश्ता करके मैं नहा करके उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ओके बाय बाय। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन से गवर्नमेंट फॉर्म डाल रखे हैं और कौन से मुझे डालने हैं, हम दोनों कौन सी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं और हम दोनों कहाँ जॉब करते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में हम लोग बताएंगे आज। दोनों ड्यूटी से आ गए और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आज मुझे पेन किलर लेना ही पड़ेगा। ये हम लोगों का चाय, हम दोनों चाय पी रहे हैं, मैं 5 मिनट पहले आ जाती हूँ और थोड़ी लेट चाय पी चाय। ये रूम की हालत आप लोग देखो, अभी हम दोनों बिस्तर बिस्तर करेंगे और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। बाय 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 बाय। गाइस मैंने आपसे आज ये बोला था कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्योंकि आप किसी की वीडियो देख रहे हैं और उसके बारे में आप जानते भी नहीं, तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, तो इसलिए मैं आपको आज अपने बारे में और अपने फ्रेंड के बारे में बताना चाहती हूँ कि हम दोनों एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं, मैं एयर इंडिया से हूँ और मेरी फ्रेंड जूनियर में है, तो और हम दोनों पढ़ाई भी करते हैं साथ में। मैंने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से और मेरी फ्रेंड ने डीएलएड कर रखा है, तो मैं बेसिकली यूपी से हूँ, अयोध्या से, और मेरी फ्रेंड भी दिल्ली से है। तो अभी मैंने फॉर्म डाल रखा है डीआरडीओ का, मैंने एनबीसीसी के फॉर्म डाल रखे हैं, एनबीसीसी का एग्ज़ाम दे रखा है, तो हम दोनों तैयारी कर रहे हैं इसका। सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो गया, रीट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो गया है। आप समझ सकते हो 8 आवर्स की ड्यूटी करने के बावजूद बावजूद पढ़ने बहुत मुश्किल हो जाता है, बट हम लोग उसमें मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि इसकी भी बहुत ज़रूरी है, लाइफ को अपने एक वे पे चलने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपकी लाइफ एक ट्रैक पर हो। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से अगर डिप्लोमा कर रखा है 3 इयर्स, तो बहुत से फॉर्म ऐसे निकलते हैं जिसको आप भर सकते हो और आप जे सकते हो, और उसके लिए आपको ऐसे नहीं कि आप कोचिंग करने कहीं जाओ, अपने सिर्फ कोचिंग करने जाओ पैसे दो। यूट्यूब आजकल इतने अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया यूट्यूब, जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हो अच्छी अच्छी वीडियोस। जैसे मैं प्रेफर करती हूँ एग्ज़ामपुर को बहुत ही सरल तरीके से, आसानी से, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम की पढ़ी हुई लड़की हूँ, तो बहुत आसानी से बहुत सरल रूप से यूट्यूब पे एग्ज़ामपुर बहुत ही अच्छा चैनल है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो और पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा है। जैसे और एक सी टेट वगैरह या आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो भी उसके लिए भी बहुत से चैनल बन रखे हैं। आप किसी भी जगह पर हो, गांव में, ऐसी जगह पे जहाँ पे कोचिंग नहीं है, जहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, तो आप अपने आप को ग्रोन अप करना चाहते हो, तो आप ऐसी वीडियो देख करके यूट्यूब पे और आप पढ़ सकते हो। मैं यूट्यूब बना रही हूँ, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ। इससे कुछ करने की अंदर से भी कुछ करने की इंस्पिरेशन आती है कि ठीक है चलो मैं ये करती हूँ, अच्छा लगता है, इससे मैं मोटिवेट होती हूँ।
तो आप लोग से बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है। आप एक लाइक शेयर कर दो कि हजारों करोड़ों वीडियो आप लोग लाइक शेयर कर रहे हो। आप देख रहे हो आजकल यूट्यूब का प्लेटफॉर्म कितना ज़्यादा कितने लोगों के लिए हेल्पफुल हो रखा है। कितने लोग अपनी जो इच्छाओं को मार चुके थे, जो चीज़ें उन्हें लगता था कि यार मुझे अब ये चीज़ें नहीं मिल सकती हैं, पर यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई कम पढ़ा लिखा है कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो हर तरीके से किसी में भी ये नहीं करता कि ये गरीब है ये अमीर है ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जैसा है उसको उस लेवल से अच्छा, उसको उसके लिए बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। आप अपना मेहनत देते हो 100% तो वो यूट्यूब भी आपके लिए 100% करता है, किसी को भी डिस्काउंट नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी यही निवेदन है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो प्लीज़, थैंक यू। मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो ये बर्तन मांजते हुए और लग रहा है मेरे पे गुस्सा करते हुए, पर मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं कुछ कर पा ही नहीं रही, बहुत कोशिश कर रही। इतने दिन बाद ड्यूटी गई थी इस कारण मेरे सर में और दर्द हो गया है, पर मैं अभी देखो आप लोग काम कर रही हूँ। आज मेरा घर मेरे से ब्लॉगिंग भी नहीं हो रही। आज मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, फट रहा है सर मेरा, मैंने जबकि पेन किलर ले लिया है फिर भी मेरे दर्द नहीं बंद नहीं होता। आप लोगों के पास इस सर दर्द हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं करेंगे मूवी देखेंगे। यस, एक दिन तो बनता है। इसका एक पागल फ्रेंड है, उसको टेलीग्राम पे मूवी डालता है, उससे इसको मूवी मिलती है। बेटा ऐसे बर्बाद करने के लिए हम लोगों को बस कीमती होते हैं, किसी को मूवी नहीं मिलती है। मेरे पास पर्सनल वीआईपी कार्ड है, वीआईपी कार्ड यही सब मिलेगा। वीआईपी कार्ड में मूवी, वीआईपी कार्ड में क्लब में डांस, पब में गाना, ये सब फालतू चीजें।